YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हमारे मार्केट में गिरावट क्यों हुआ, गिरावट के पीछे की वजह क्या है। अगर बात करें हम जो हमारा मुख्य इंडेक्स है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने मिला। कल भी मार्केट में गिरावट हुआ था, आज थोड़ा सा जो अर्ली मार्केट था वो थोड़ा सा अपट्रेंड में दिख रहा था, लेकिन लास्ट आवर में काफी शार्प गिरावट हुआ। और देखिए ये शार्प गिरावट काफी तेज था और इतना तेज था कि ये मात्र 45 मिनट्स में टॉप से काफी नीचे आ गया मार्केट। तो ये मार्केट की गिरावट की पीछे की वजह क्या था, अगर आप इसको जानते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में मार्केट के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। इस शार्प फॉल के पीछे की वजह क्या था, अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में मार्केट के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। तो अभी जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, वो है डाउन ट्रेंड। देख सकते हैं यहीं से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। तो इसके पीछे का वजह, मतलब आज जो गिरावट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट में जो मेजर वजह थी ग्लोबल काउज की बात करें, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसीफाई हुआ है, तो इसमें बढ़ोतरी मिला है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरा, कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट देखने मिले हैं जिसके कारण भी मार्केट में गिरावट देखने मिला, मतलब उसका भी इम्पैक्ट था। और यहाँ पर जो क्वार्टर फोर का अर्निंग है, क्वार्टर फोर का अर्निंग जो है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा वीक देखने मिला है, जिसके कारण आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी, पावर ये सब जो है निफ्टी को ड्रैग करके नीचे लाया है। जबकि मेजर कंट्रीब्यूटर है रिलायंस, वो आज भी अप था। तो ये सारे मुख्य काउज है जिसके कारण हमें मार्केट में गिरावट देखने मिला, क्वार्टर फोर का वीक अर्निंग, आईटी सेक्टर का, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को इंटेंसिफाई होना, कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट आना। तो ये सारे मेजर काउज थे जिसके कारण मार्केट में हमें गिरावट देखने मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि आप मार्केट के ट्रेंड को न्यूज बेसिस पे साथ ही साथ चार्ट पर किस तरह से पकड़ सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।